पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामलीला मेला और दशहरा महोत्सव कमेटी काशीराम नगर की ओर से रविवार को नारद मुहुर्त सीता स्वयंवर के कई संवाद और राम वनवास का मंचन किया गया। कलाकारों ने दिखाया विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी को खुद पर अभिमान होने लगता है। इस पर विष्णु भगवान उन्हें वानर रूप देते हैं। स्वरूप का पता चलने पर नारद जी भगवान विष्णु को पत्नी के वियोग का श्राप देते हैं। हाँ, अवश्य है, परंतु नारद जी आपके ही नहीं, क्योंकि जहाँ ज्ञान और वैराग्य बसते हैं वहाँ ऐसे विकार कैसे ठहर सकते हैं। एक कामदेव भी क्या, यदि हजारों कामदेव भी आए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे संसार के पाखंड मिलकर भी अकेले ब्रह्मचर्य को नहीं पछाड़ सकते। सीता स्वयंवर प्रसंग में भगवान राम जैसे ही धनुष पर प्रत्यंज चढ़ाते हैं वो टूट जाता है। इससे भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। जब उन्हें भगवान राम द्वारा धनुष तोड़ने की जानकारी मिलती है तो वो शांत हो जाते हैं। भगवान राम के विवाह से अयोध्या में खुशियां छा जाती हैं। संसार से विदा हो गई, क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई। कश मैं पहले जानता तो ये प्रण कदापि न ठानता। अरे जिस चरण से रुलावा हर शुभ साधना कछु गुण आवा इसके बाद राजा दशरथ भगवान राम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करते हैं। दासी मंत्रा के बहकावे में आकर केकई राजा दशरथ से भगवान राम को वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लेती है। जब श्री राम पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन जाने लगते हैं, माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाते हैं। इससे अयोध्या में मायूसी छा जाती है। इस दौरान रामलीला का शुभारम्भ वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी को सम्मानित किया गया और सभी के सहयोग पर आभार व्यक्त किया गया। मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन, माफी चाहूंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा, किसी का नाम याद है किसी का नहीं है, किसी का अच्छा बनूंगा किसी का बुरा। और मेरे मीडिया भाई और मेरे वैश्य समाज के सारे साथी और इस कार्यक्रम में आई मेरी माता बहने, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, प्रमोद शर्मा जी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और संचालन कर रहे मेरे भाई, मेरे साथी जो नगर निगम में पार्षद हैं, अजय दिवाकर जी, मैं उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत सुंदर आयोजन है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं देख के बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अगली बार इससे भी बड़ा आयोजन यहाँ पे होने लगना।
बस कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय श्री राम। तो वहीं महापौर विनोद अग्रवाल की उपस्थिति भी सराहनीय रही। इस अवसर पर उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस दौरान विनोद दिवाकर, पंडित प्रमोद शर्मा, विनीत मलिक, देशराज सिंह यादव, नरेंद्र चौधरी, अर्चित गुप्ता के साथ और भी लोग मौजूद रहे। और केवल चर्चाएं नहीं हुई, उन पर काम हुआ। अजय दिवाकर मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे, वो अपने प्रमोद जी और कुछ लोगों के साथ आए, चर्चा हुई और एक नई शुरुआत हुई। वो नई शुरुआत जो एक बहुत छोटे से रूप में हुई, ऐसे मान के चलिए कि जिस पेड़ के हम फल खा रहे होते हैं, जिस पेड़ की हम छाया ले रहे होते हैं, कभी कल्पना कीजिए किसी ने कितना छोटा सा पौधा लगाया होगा, किसी ने कितनी छोटी सी गुठली या बीज डाला होगा, जो आज इतना बड़ा वृक्ष हुआ है। वो बीज डालते समय हमें कल्पना नहीं होती कि इस पेड़ से कितने फल मिलने हैं, कितने पुष्प मिलने हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है तो प्रणाम उन संकल्पों का होना चाहिए, उन सद प्रयासों का होना चाहिए जिन्होंने वृक्ष लगाया, जिन्होंने शुरुआत की। अजय दिवाकर, प्रमोद जी और उनके साथ की जो भी टीम उस समय थी, मैं उनके उस समय के प्रयासों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने ये कल्पना नहीं की होगी कि रामलीला का ये स्वरूप इतना बृहद हो जाएगा।